New Hope TV, your encounter with God. Go to 2 Corinthians 9:10. I want to encourage you. दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 10वें वचन में जाएंगे, आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं. Yes, it says, now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 10वां वचन, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा. Now notice over here two things right now. अब गौर करें, यहां पे दो चीजें हैं. God is a supplier. परमेश्वर जो है पूर्ति करता है. The first thing, write this down. पहली चीज लिख लीजिए, God is a supplier. परमेश्वर पूर्ति करता है. What does he supply? क्या वो पूर्ति करता है? In other words, God is a provider. दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर इंतजाम करता है. Come on, everybody say, God is my provider. God is my supplier. सभी लोग कहें, परमेश्वर मेरा पूर्तिकारक है, परमेश्वर ही मेरे लिए इंतजाम करता है. That's the first thing. यह है पहली चीज. The second thing. दूसरी चीज. What does he supply? क्या वो इंतजाम करता है, पूर्ति करता है? He supplies seed to the sower. वो बोने वाले के लिए बीज की पूर्ति करता है. Come on, everybody say seed to the sower. सभी लोग कहें, बोने वाले को बीज. And the second thing. दूसरी चीज. He gives bread to the eater. देखिए, दूसरी चीज ये है, भोजन के लिए वो रोटी देता है. भोजन के लिए मतलब for those who eat, he gives the bread. और जो खाने वाले को रोटी देता है. Now notice this. गौर करें. To the eater, he does not give seed, he gives the bread. देखिए, खाने वाले को वो बीज नहीं देता, वो रोटी देता है. Because he gives the seed, because seed, he knows that this fellow is only going to eat. So he says, okay, I know you, there is no point in giving you seed. Take the bread, you eat, you'll be happy. तो देखिए, वो जानता है कि अगर खाने वाले को अगर बीज दे दिया जाए तो उसको उसका कुछ फायदा नहीं होगा, बस वो लेके उसे खा जाएगा. तो इसलिए वो कहता है, मैं तुम्हें रोटी देता हूँ, लो इसे खाओ. But he understands that the person that I'm talking to is not a eater, he's a sower. लेकिन वो जानता है और समझता है कि जिस व्यक्ति से मैं बोल रहा हूँ वो खाने वाला नहीं, वो बीज बोने वाला व्यक्ति है. So to the sower, he gives something extra. Hallelujah. तो हम देखते हैं बीज बोने वाले को कुछ वो ज्यादा देता है. How many of you following me right now? समझ रहे हैं? When God recognizes that you are a sower, God multiplies the seed. देखिए, जब परमेश्वर जान जाता है कि आप बीज बोने वाले व्यक्ति हैं, तो वह आपके बीज को बढ़ा देता है. Notice it says, supply and multiply the seed you have sown. If you are a sower, you will see multiplication in your seed. Lift your hand and say, I receive it right now. अगर आप बीज बोने वाले व्यक्ति हैं, तो आप अपने बीज में बढ़ोतरी को देखेंगे. God differentiates between an eater and a sower. तो आप देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर बीज बोने वाले और खाने वाले के बीच में फर्क करता है. How many of you understanding this truth right now? सच्चाई को इस वक्त. Very very important truth. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है. So if you want to see your time multiply, तो अगर आप देखना चाहते हैं आपका समय जो बढ़ता जाए, sow it as a seed in the kingdom of God. तो परमेश्वर के राज्य में इसे एक बीज के रूप में बोएं. Pray for somebody. किसी के लिए प्रार्थना करें. Join the intercession. मध्यस्थी की प्रार्थना में जुड़ जाएं. Pray for the church. कलीसिया के लिए प्रार्थना करें. Pray for the nation. राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें. You will see that God will increase, somehow you will multiply your time. आप देखेंगे परमेश्वर बढ़ा रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपका समय जो है बढ़ता जाएगा. The devil will lie to you that if you pray, you lose your time. शैतान देखिए आपसे झूठ बोलता है कि अगर तुम प्रार्थना करो तुम्हारा समय ऐसे बर्बाद चला जाएगा. That is the natural mind speaking. ये तो एक स्वाभाविक दिमाग है जो but बोल रहा है. But the spiritual mind. लेकिन आत्मिक दिमाग. Says, I am not just casting it. I am investing it. Hey, hallelujah. और come on, आत्मिक come on. दिमाग, आत्मिक मन कहेगा कि मैं तो बस यही नहीं, ऐसा नहीं उंडेल रहा हूँ, लेकिन मैं निवेश कर रहा हूँ. See, God does not give seed to the birds. He gives food for the birds. और आप देखते हैं परमेश्वर बीज जो है वो पंछियों को नहीं देता, वो तो पंछियों को दाना देता है खाने के लिए. Many people say birds don't sow. Still, God provides for them. Yes, He gives them food. They eat and they forget it. God never gives them seed. But those who are wise to the farmer, He will give you seed. Lift your hand and say, I'm receiving the seed right now. देखिए, परमेश्वर पंछियों को जो है वो बीज नहीं देता, तो खाने के लिए उनके लिए इंतजाम करता है. लेकिन जो बुद्धिमान किसान होते हैं, परमेश्वर देखिए उन्हें बीज देता है. Revelation is a seed. प्रकाशन भी एक बीज है. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Lift your hand and say, Revelation is a seed. अपने हाथ उठाकर कहें, प्रकाशन एक बीज है. Revelation is not to just excite you. प्रकाशन जो है ये आपको उत्तेजित करने के लिए नहीं है. You know, revelation is not just to make you feel wow. प्रकाशन देखिए ये बस आपको बहुत बढ़िया ऐसा उत्तेजित बनाने के लिए भी नहीं है. Revelation is for those people who will say, I receive this word and I'm going to put it in my spirit and it's going to bear more fruit. Hallelujah. प्रकाशन देखिए उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि देखिए ये वचन मेरे लिए, मैं इसे अपने आत्मा में रखूंगा और ये फल लेकर आएगा. How many of you receiving this word right now? Revelation is not to you. No. और प्रकाशन जो है ये आपके कान खुजलाने के लिए नहीं है. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? People, they like stories. बहुत सारे लोगों को कहानियां पसंद करते हैं. Ah, nice sermon, nice. ओ, बड़ा अच्छा संदेश. They like it. उन्हें पसंद आता है. Next time, let me see what is there. अगली बार मैं देखना चाहता हूँ क्या बताएंगे. They just
tickle their senses. और बस वे अपनी इंद्रियों के लिए उत्तेजित कर देते हैं. But you, those are watching. लेकिन आप जो देख रहे हैं. You are saying, God, speak to me one word, O God. Hallelujah. आप कहते हैं परमेश्वर मुझसे बस एक वचन बोल दे. And see what I'm going to do with it. और फिर देखेगा मैं क्या करूँगा. I'm going to take that word and run with it for the rest of my life. And because that one investment you made in my life, Lord, I'm going to give you a hundredfold return on that investment. And God says, okay, sir, let me do business with you. I give you more. Lift your hand and say, I receive. Hallelujah. अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर एक वचन दे दे, मैं उस वचन को लेकर अपनी पूरी जिंदगी भर दौड़ता रहूंगा. परमेश्वर, जो तूने मुझ में से थोड़ा सा एक निवेश कर दिया, देखना उससे मैं आपको सौ गुना वापस लौटाऊंगा. परमेश्वर कहेगा, इतना सारा तुम कहते हो, तुम्हें तुम्हें और बढ़कर देता हूं. Are you listening right now? सुन रहे इस वक्त? Revelation is coming to you people. प्रकाशन लोगों देखिए आपके पास आ रहा है. Lift your hand and say, oh Lord, speak to me. अपने हाथ उठाए और कहे, प्रभु मुझसे बात कर. Oh Lord, speak to me. चलिए बोले, प्रभु मुझसे बात कर. One word that will make me overcome my circumstances. Speak to me, oh God. एक वचन प्रभु जो मुझे मेरे हालातों पर विजयी और जयवंत बना के रख दे. बोल प्रभु वो वचन. The devil has no defense for revelation. देखिए, शैतान के पास प्रकाशन से बचने के लिए ऐसी कोई ढाल या बचाव नहीं है. It will tear his defenses. और देखिए, उसके सभी बचाव को फाड़ के रख देगी ये. That's how powerful revelation is. और इसी तरीके से देखिए, प्रकाशन इतना जबरदस्त और सामर्थ्यशाली होता है. No devil can stop revelation. कोई शैतान प्रकाशन को नहीं रोक सकता. They just touch the surface. This was just introduction. आज तो बस सतह को ही हमने छुआ है, तो बस परिचय जैसा रहा है. Now we're going to talk about Isaac. अब चर्चा करेंगे इसहाक के बारे में. He was a man of the well. वो कुएं वाला व्यक्ति था. And I told you. और आपसे कहा हमने. Today we're going to look at what is the spiritual significance of a well. और देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप देखने जा रहे हैं कुएं की खासियत के बारे में. Listen to me. अपनी खासियत जो होती है. A well saved Hagar. हम देखते हैं कि कुएं ने ही हाजिरा बचाया था. Go with me to Genesis 16. निकालिए उत्पत्ति का 16वां अध्याय. And let's read from verse 13 and 14. और आइए पढ़ेंगे उसे 13वें 14वें वचन में. Hagar. हाजिरा. She was one of the wives of Abraham. हम देखते हैं कि वह अब्राहम की एक पत्नी में से थी. Read verse 13 right now. पढ़िए. Now watch this. Then she called on the name of the Lord who spoke to her, and she said, "You are the God who sees." For she said, "Have I also seen him who sees me?" तब उसने प्रभु का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अतल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? She was in the desert. वो रेगिस्तान में थी. She and her son was about to die. वो और उसका बेटा मरने वाला था. And guess what? सोचिए जरा. God opens her eyes. परमेश्वर उसके आगे खोल देता है. And she sees a well. और उसे कुआं दिखाई देता है. This is not an ordinary well. ये कोई मामूली कुआं नहीं था. It is a spiritual well. एक आत्मिक कुआं था. How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं? Therefore the well was called Beer Lahiroi. Observe, it is between Kadesh and Barnea. इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा. वह तो कादेश और बेरेद के बीच में है. The well was there. वो कुआं वहां था. But Hagar did not see it until her eyes were opened by the Lord. हाजिरा नहीं देख पा रही थी जब तक प्रभु ने उसकी आंखें नहीं खोली. Like Hagar, this, you know, there are many wells around us. और हाजिरा के समान ही देखिए, बहुत सारे कुएं हमारे आसपास हैं. But we need the Lord to open our spiritual eyes. लेकिन जरूरी है कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे. This well, this revelation saved Hagar. इस कुएं ने, इस प्रकाशन ने हाजिरा को बचा लिया. How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं? Please listen to me very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए इस वक्त. A well is a place of prayer. एक कुआं जो है ये प्रार्थना का स्थान है. A well is a place of revelation. एक कुआं जो है ये प्रकाशन का स्थान है. A revelation can bring your family out of the famine. और एक प्रकाशन देखिए आपके परिवार को अकाल में से बाहर ला सकता है. A revelation can bring you out of the fire. एक प्रकाशन जो है आपको आग में से बाहर ला सकता है. Somebody lift your hand and shout hallelujah. चलिए अपने हाथ उठाकर चिल्लाएं हालेलुया. Are you following me right आप now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? A well was a place where a Samaritan woman received the revelation of the Messiah. Come on somebody. देखते हैं, कुआं ही वो स्थान था जहां पर सामरी महिला ने मसीहा का प्रकाशन को पा लिया था. This woman, John chapter 4. हम देखते हैं यह महिला योहन्ना के चौथे अध्याय में. Her life was not going anywhere. उसकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही थी. She had tried one man, two man, three man, four, five, six, and you know, sixth, she was staying with the sixth fellow. और देखिए, उसने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें मर्दों को आजमा कर देख लिया था और छठवें मर्द के साथ वो रह रही थी. And listen to me. सुनिए हमारी. She was taking the pot maybe and going to the well in the afternoon. Hey. और देखिए, वो अपना घड़ा उठाकर दोपहर के समय कुएं पर जा रही थी. Why in the afternoon? क्यों दोपहर को? Because she did not want to meet the people. क्योंकि वो लोगों से मिलना नहीं चाहती थी. Because you see, I'm a village boy, okay? क्योंकि आप देखते हैं कि देहाती छोकरे जैसे. You are all maybe big fellows, but आप से बड़े in the village, nobody goes to draw the water from the well in the afternoon. They go in the morning or in the evening. देखिए, गांव में ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है
दोपहर के समय कुएं पर पानी निकालने नहीं जाते, या तो सुबह में जाते हैं या तो शाम को जाते हैं। And she thought it was just another day. और उसने ऐसा सोचा होगा तो ये बस एक दूसरे दिन जैसे ही आम दिन है। And at that well, लेकिन उस कुएं पर she met a bigger well. Hallelujah. उससे बड़े कुएं से उसकी मुलाकात हो गई। That well told her, उस कुएं ने उससे कहा, he says, what are you talking about this water? तुम इस पानी के बारे में क्या बात कर रही हो? He says, I'll give you living water. मैं तुम्हें जीवन का पानी देता हूं। That day she caught the revelation. उस दिन उसने प्रकाशन पा लिया। She says, I don't have something to draw the water from this well. और वो कहने लगी, मेरे पास कुछ नहीं है इस कुएं में से पानी निकालने के लिए। Jesus gave her the revelation of worship. Hey. और फिर यीशु ने देखे उसे आराधना का प्रकाशन He दिया। He said, I'll give you the revelation. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें प्रकाशन देता हूं। Which will change your life. जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। You will not go hunting from men, from relation to relationship. You will be known as a woman of change, woman of honor in this entire Samaritan village. Lift your hand and say, receive it. Hallelujah. तुम मर्दों से प्यार पाने के लिए एक से दूसरे में झांसा मारते हुए नहीं फिरोगी, लेकिन आज तुम इस तरह का प्रकाशन पाओगे। That day Jesus shared with her, John 4:23-24, he spoke to her that revelation at the well of worship. Hallelujah. और हम देखते हैं योना के चौथे अध्याय 23-24 वचन में यीशु ने उस कुएं पर उससे बात की, चर्चा की आराधना के बारे में। A revelation will change your life. एक प्रकाशन आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। That is the significance of a well. यही तो कुएं की एक खासियत है। Today you have come to another well. आज आप एक दूसरे कुएं के पास आए हैं। That service, hallelujah. ये सभा है। Say, what is this fellow talking? और ये क्या बोल रहे हैं? I don't fully understand it, but something is happening to me. मुझे समझ में नहीं आ रहा पूरी तरह से, कुछ तो हो रहा है मेरे। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? It will bring you out of the fire. ये आपको आग में से बाहर लाएगा। It will bring you out of the prison. ये आपको जेल में से बाहर लाएगा। It will bring you out of any pit. Hallelujah. किसी भी गड्ढे में से आपको बाहर निकाल के लाएगा। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? That the well speaks of revelation. एक कुआं जो है ये प्रकाशन के बारे में बताता है। What about Rebecca in Genesis 24? और रिबेका के बारे में क्या? उत्पत्ति का 24वां अध्याय। Listen to me. सुनिए ध्यान से। Rebecca. Rebecca. She was just going to the well. बस वह कुएं पे जा रही थी। And there she met her handsome man Jacob. और वहाँ पर एक रूपवान आकर्षक व्यक्ति याकूब से उसकी मुलाकात होती है। It changed her life forever. उसकी जिंदगी इससे हमेशा के लिए बदल जाती है। You know, Rebecca became the mother of Joseph. Hallelujah. आप जानते हैं वो रिबेका यूसुफ की माँ बनी। Became the mother of Benjamin. Hey. बिन्यामिन की माँ बनी। Are you following me right आप now? समझ रहे हैं इस वक्त? The Benjamin tribe. बिन्यामिन गोत्र। To whom was given that, you know, five times Benjamin, five times। और देखिए बिन्यामिन को पांच गुना दिया गया था। The Benjamin generation, the blessed generation। बिन्यामिन की पीढ़ी, आशीषित पीढ़ी। Rebecca। Rebecca। At the well। कुएं पर। It changed her life। उसकी जिंदगी बदल गई। It's a revelation, church। ये एक प्रकाशन है कलीसिया। Whenever we speak of wells। जब कभी देखिए हम कुएं के बारे में बात करते हैं। You must understand। आपको समझने की जरूरत है। Well speak of revelation। कुआं जो है ये प्रकाशन के बारे में बताता है। Well speak of prayer। कुआं जो है या प्रार्थना के बारे में बताती है। Oh, somebody lift your hand right now। कोई तो चले अपने हाथ। Now you have to be very careful। लेकिन आपको बहुत ही सावधान रहना। The enemy will try to block those places where once people found their strength and sustenance in God। शत्रु कोशिश करेगा कि उन जगहों को रोकने की या बाधित करने की जहां पर लोग अपने लिए सामर्थ या संभाले जाने की शक्ति पाया करते थे। Please listen to me carefully। ध्यान से सुनिएगा। When Rebecca came to meet Jacob, जब रिबका आई याकूब से मिलने, there was a well, वहाँ पर एक कुआं था, but there was a stone, लेकिन वहाँ एक पत्थर रखा हुआ था, Jacob had to remove that stone, याकूब को आकर उस पत्थर को हटाना था, then the water flowed, फिर पानी बहने लगा, the devil will always try to block those wells in your life, शैतान शत्रु हमेशा कोशिश करेगा आपके जिंदगी में उन कुओं को बाधित करने की रोकने की, even for Hagar, God had to remove that blindness so that she could see. हाजिरा के लिए भी यही बात लागू होती है। देखिए परमेश्वर को उसके अंधेपन को हटाना पड़ा ताकि वो देख सके। Jesus had to lead this woman into repentance so that she could see. Hey! और यीशु को भी देखिए इस महिला को पश्चाताप के सत्र में अगुवाई करनी पड़ी ताकि ये देख सके। Isaac, इसहाक, the wells which his father had dug, the enemy put the mud and Isaac said no, I'm not going to do that. My father was a man of prayer, my mother was a woman of prayer. I'm going to dig those wells of prayer, I'm going to dig those wells of fasting, I'm going to dig those wells of giving. Somebody lift your hand and say, I will not allow the devil to stop my revelation. Hallelujah. Lift your hands. Abraham ne jo kuen khudwaye the, shatru ne aakar un kuon ko wapas mitti se bhar diya tha, lekin Ishaq ne kaha nahi, main in kuon ko wapas khudwa
गवाऊंगा, मेरी माँ प्रार्थना करने वाली महिला थी, मेरे पिता प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, तो मैं इनको वापस खुलाऊं। और फिर उसके बाद हम देखते वो उपवास का कुआं, वो विनती प्रार्थना का कुआं, वो प्रार्थना का कुआं, वो सेवा करने का कुआं खुदवाना जरूरी है। दिस पेंडेमिक हैज टेकन अवे मेनी गुड पीपल। ये महामारी के दौर ने बहुत सारे अच्छे लोगों को ले लिया। Somebody's father has gone away, somebody's mother has gone away, somebody's brother, sister has gone away. Listen to me, it is because of that revelation they carried, you are here. Listen to me carefully. और देखिए किसी के माता पिता को, किसी के भाई बहन को इसने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन देखिए क्योंकि आपने जो प्रकाशन वो पाया था उसके वजह से आज भी आप बने हुए हैं। Some of you lost your men of God, some of you lost your pastors, some of you lost your leaders. आप में से कुछ लोगों ने अपने पासबान जी को, अपने अगुवे को, अपने परमेश्वर के जन को अपने गवा दिए। They had revelation. उनके पास प्रकाशन था। They brought you so far. उन्होंने आपको इतने दूर तक लाए। But the enemy wants, listen to me. सुनिए ध्यान से। The enemy wants to block those wells. लेकिन शत्रु चाहता है कि उन कुओं को बंद कर दे। What do you have to do? लेकिन आपको क्या करना है? You have to say no, devil. आपको कहना है नहीं शैतान। I'm going to dig those wells again. मैं उन कुओं को वापस से खुदवाऊंगा। The wells of fasting, the wells of prayer, the wells, and that revelation will pass on from that generation to the next generation. And guess what? The revelation when it only grows, it only grows. और फिर उसके बाद वो प्रकाशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ती चली जाएगी। और फिर प्रकाशन देखिए जो हमेशा बस लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। I pray, आज प्रार्थना कर। What have you stopped doing in your life, which you know your mother did once? What have you stopped? Your mother prayed, your father prayed, your sister prayed. They are not there today. Will you stop praying? Will you stop fasting? Will you stop reading the word today? Take up that mantle. Take up that mantle where it has fallen and go on further. And greater things you will do in Jesus. Lift your hands right now. आज क्या वो चीज़ है जो आपने रोक दिए? आपके माता पिता प्रार्थना किया करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे हैं। आपको आगे बढ़ना, जहाँ पर देखे वो प्रार्थना की चादर गिरी थी, आपको उस चादर को लेना है और बस आगे और आगे बढ़ते चले जाना है प्रार्थना करते हुए। Lift your hands and say, Oh Lord. चलिए अपने हाथ उठाकर कहेंगे, हे प्रभु, help me to roll away any stone from the well of goodness, from the well of favor in my life, Lord. Any stone that the enemy has used to block my blessings, let it be uprooted today. Begin to pray. Begin to pray right now. प्रभु मेरी मदद कर, हर एक उस पत्थर को मैं हटा सकूं जो शत्रु ने मेरे भलाई मेहरबानी कुएं पर धरा है। मेरी मदद कर प्रभु, और हर एक पत्थर उखाड़ दे। God is releasing his angels right now. आज प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है। Don't neglect those things in your life. उन चीजों को अपनी जिंदगी में नजरअंदाज मत करिएगा। Hallelujah. कहे हालेलुया। Isaac was a wise man, church. इसहाक एक बुद्धिमान व्यक्ति था। Today I know many Isaacs are watching me. अब जानते बहुत सारे इसहाक देख रहे हैं। And I prophesy. और भविष्यवाणी करते हैं। Laughter is going to come back in your life. Lift your hands, receive. वो हंसी आपके जिंदगी में वापस लौट रही है। अपने हाथों का ग्रहण करें। Thank you, Lord.